हेलो एवरीवन, सो वेलकम टू पार्ट बी। सो यहाँ पे हम कंटिन्यू करेंगे जहाँ से हमने लास्ट क्लास में रोका था। ओके तो सर, ये कहा जाता है, सर हमने बहुत सुना है, रिस्क नहीं लोगे तो रिटर्न नहीं मिलेगा, रिस्क नहीं लोगे तो रिटर्न नहीं मिलेगा। एकदम ही सही बात है, एकदम ही सही बात है। बताओ क्यों? एग्जाम्पल देता हूं, नोकिया जैसी कंपनी ने बोला था या बोला है कि भाई हम लोग सिर्फ हमारे फीचर फोन्स बनाएंगे, हम लोग स्मार्टफोन्स नहीं बनाएंगे। और तुमने देखा है कि आज की तारीख में नोकिया फोन्स कितने कम लोगों के पास है। सर तुम रिस्क लोगे ही नहीं तो रिटर्न कैसे मिलेगा? नोकिया बोली कि मैं एक बंद कमरे में बैठी रहूंगी और मैं यही फोन बेचूंगी। बेच लो भाई, कोई नहीं खरीदेगा। कोडक के साथ भी यही हुआ। देखो कोडक के साथ क्या हुआ, कोडक के साथ ये जो तुमको याद होगा, ये जो याद होगा तुमको, इस टाइप का तुम पहले कैमरा यूज करते थे, आज की तारीख में ये कंपनी जो है देखो क्या है, इज इन द इमर्ज इमर्ज फ्रॉम अ बैंकरप्सी। ऐसी हालत हो चुकी है इस कंपनी की, ऐसी हालत हो चुकी है। तुम रिस्क नहीं लोगे तो रिटर्न भी एक्सपेक्टेशन मत करना। मतलब ही टेकिंग रिस्क इज अ गुड। अब रिस्क से कुछ अपॉर्चुनिटीज आएगी, कुछ थ्रेट्स आएगी, और दोनों को मैनेज करना इंपॉर्टेंट है। और वो काम तुम्हारा है, तुम्हारा मतलब रिस्क मैनेजर का है, प्लस ऑल्सो जो ऑर्गेनाइजेशन में जो वेरियस डिपार्टमेंट्स हैं उनका भी काम है। ओके तो समझ में आया कि इट्स इफ द बिजनेस सेज, है ना, इफ अ बिजनेस सेज वी वॉन्ट टू कंटिन्यू द एग्जिस्टिंग प्रोसेस, देन इट्स करेक्ट टू से नो रिस्क नो रिटर्न। मतलब ही अगर मैं बोलूं, द इफेक्ट ऑफ रिस्क इज डायरेक्टली रिलेटेड टू द प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस। द इफेक्ट ऑफ रिस्क, जो भी इफेक्ट ऑफ रिस्क है उस पे ही तुम्हारा सक्सेस डिसाइड होगा। सर ये क्यों बता रहा हूं, इस पे तुमको एमसीक्यूज पूछ सकता है, एमसीक्यूज पूछ सकता है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, या विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, और विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। ओके इफ द बिजनेस सेज, तो ये एक लाइन दे देगा कहीं पे और तुमको पूछ लेगा विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू या इनकरेक्ट। ओके तो फ्रॉम दैट परस्पेक्टिव यू आर सपोज टू थिंक। ओके अब सर मेरे लिए अगर मैं रिस्क मैनेजमेंट को बोलू तो रिस्क मैनेजमेंट मेरे लिए छह आंसर्स, अगर ये छह आंसर्स मेरे को मिल गए तो मेरे लिए रिस्क मैनेजमेंट कंप्लीट हो गया। अगर ये छह क्वेश्चन के आंसर्स मुझे मिल गए, इफ आई गेट द आंसर्स ऑफ द सिक्स क्वेश्चन, तो मेरे लिए रिस्क मैनेजमेंट कंप्लीट हो गया। मतलब बेसिकली ऑल द सिक्स क्वेश्चंस वी आर गोना डील इन आर पार्ट ए ऑफ बैच। जो हमारा पार्ट ए ऑफ बैच है वो हमें इसी छह क्वेश्चंस पे डील करना है, और एक एक क्वेश्चन को इतने डिटेल में समझेंगे कि तुमको मजा आ जाएगा। अगर ये छह क्वेश्चंस के आंसर्स तुम कंप्लीट कर दिए तुमको रिस्क मैनेजमेंट समझ में आ जाएगा। सबसे पहला क्वेश्चन क्या बोलता है, देखो, व्हाट इज बिजनेस ट्राइंग टू डू और अचीव। What is business trying to do or achieve? Business करना क्या चाहता है सर, ये बताओ। What does business wants? Every business wants to achieve its objectives. अब ये हम क्वेश्चन नंबर वन को डील कर रहे हैं, तो दिस इज द क्वेश्चन नंबर वन विच वी आर डीलिंग, एंड दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत ध्यान से सुनना, इसका कोरिलेशन, आई एम जस्ट गिविंग यू द नेम, इसका कोरिलेशन हमारा चैप्टर नंबर 8 में आएगा, दैट इज एंटरप्राइज रिस्क मैनेजमेंट। ओके एंटरप्राइज रिस्क मैनेजमेंट से कोरिलेट होगा। आई एम जस्ट गिविंग यू द ब्रीफ या जस्ट द हेडिंग ऑफ द चैप्टर विल टेल यू व्हाट डस इट इंक्लूड, व्हाट इज दैट, बट ये चीज ध्यान में रखना, ये चीज मैं फिर से वहां पे बताऊंगा। अब सर मेरे को बताओ, मुझे धंधा करना है, मुझे सर सबसे पहले बिजनेस को समझने के पहले तुम्हें समझना पड़ेगा कि बिजनेस होता क्या है, बिजनेस कैसे किया जाता है, और बिजनेस स्टार्ट करना है तो कैसे किया जाएगा, कौन करेगा। ओके तो मैं बोलता हूं कि बिजनेस स्टार्ट करने के लिए सबसे पहला पर्सन लगता है एक विजनरी। विजनरी मतलब कौन, ऐसा व्यक्ति जिसके दिमाग में एक विजन है कि भाई मुझे ऐसे इस चीज को करना है, उसे मैं कहता हूं एंटरप्रेनर, हु हैज अ विजन टू डू समथिंग, उसे कहा जाता है विजनरी। ओके दूसरा पर्सन होता है तुम्हारे को अगर बिजनेस डेवलप करना है, ये बेसिक रिक्वायरमेंट्स है कि व्हेन यू स्टार्ट अ बिजनेस इन इन टाइप ऑफ कैटेगरी ऑफ पीपल इज रिक्वायर्ड इन अ करंट सिनेरियो और करंट एनवायरमेंट। ओके मेरे को ऐसा लगता है और ये प्रूवन फैक्ट भी है। सेकंड बंदा जो हमें लगता है वो होता है हैकर। हैकर मतलब क्या, एक टेकी जो एक टेक्नोलॉजी डेवलप कर सके, बिकॉज इन करंट एनवायरमेंट, ऑफ द करंट एनवायरमेंट, इफ यू वांट टू स्टार्ट एनी बिजनेस एट अ गुड लेवल यू नीड अ टेक्नोलॉजी, जो टेक्नोलॉजी को डेवलप कर पाए टक 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 टक, और वो तुम्हारे लिए सही टेक्नोलॉजी
की मदद से तुम्हारे बिजनेस के गोल्स, बिजनेस के ऑब्जेक्टिव्स को भी अचीव कर पाए। ओके, तो टेक्नोलॉजी का होना जरूरी है, टेकी का जरूरी है, एक एंटरप्रेन्योर जो विजनरी का जरूरी है। तीसरा होता है हसलर, बहुत इंपॉर्टेंट। सर हसलर मतलब क्या? ऐसा व्यक्ति जो उस चीज को, माल को बेच पाए, माल को बेच पाए। ठीक है, मैंने टेक्नोलॉजी तो डेवलप कर लिया बट अगर माल ही नहीं बेच पाया तो किसी काम का नहीं है, इसलिए हमें को चाहिए एक हसलर। और चौथा चाहिए अ नंबर्स पर्सन, दैट इज कॉल्ड एज अ CFO, अपन जैसे लोग, अपनी भी इज्जत है बाजार में। ठीक है, इसलिए तुम लोग को भी हायर किया जाता है। तो आफ्टर यू बिकम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, मल्टीपल और मेनी ऑफ द पीपल विल गेट जॉब्स इन अ फाइनेंस डोमेन एंड इन कमिंग डेज, इन कमिंग फ्यूचर विल बिकम अ CEO और CFOs ऑफ मल्टीपल कंपनीज। ओके, तो सर ये चार व्यक्ति चाहिए, एक चाहिए हमें विजनरी, दूसरा चाहिए हैकर, तीसरा चाहिए हसलर और चौथा चाहिए CFO और नंबर्स पर्सन। अब ये सब लोग मिलके कहां जाएंगे? ये सब लोग मिलके जाएंगे इन्वेस्टर के पास। हे इन्वेस्टर, ये हमारा आइडिया है, क्या आप हमारे आइडिया में इन्वेस्ट करोगे? ये कहां जाएंगे? इन्वेस्टर के पास जाएंगे। अब इन्वेस्टर कोई भी हो सकता है। ओके, अब इसमें भी क्लब हो सकता है, विजनरी और हैकर एक हो सकते हैं, हसलर और विजनरी एक हो सकते हैं। शुरू में तो कभी कभी अगर वन है ना, सिंगल पर्सन अगर स्टार्ट कर रहा है तो ये सब एक होता है, बट व्हेन यू ग्रो योर बिजनेस तो ये सब अलग अलग हो जाते हैं और ये प्राइमरी रूल्स मेरे को लगते हैं व्हेन यू आर डूइंग एनी बिजनेस। ठीक है, अब ये सब लोग जाएंगे सब इन्वेस्टर के पास, हे इन्वेस्टर हमें पैसा दे दो, हमें क्या करना है? बिजनेस करना है। अब इन्वेस्टर हमेशा ध्यान में रखो, इन्वेस्टर क्या देखेगा? क्या आइडिया सही है? क्या आइडिया बढ़िया है? क्या दूसरा देखेगा कि क्या इस आइडिया में ग्रोथ है? ये आइडिया कमा के देगा या नहीं देगा? अगर ये आइडिया मुझे 6% 8% कमा के देगा तो भैया मेरा क्या मतलब इसमें इन्वेस्ट करने का? आई विल बेटर इन्वेस्ट इन डिबेंचर बॉन्ड्स, यहां सब मैं इन्वेस्ट करूंगा, मेरे को इस बिजनेस में इन्वेस्ट नहीं करना। और तीसरा वो देखेगा, थर्ड थिंग ही विल सी, क्या वेदर द बिजनेस मॉडल इज सस्टेनेबल, वेदर द बिजनेस मॉडल इज सस्टेनेबल ड्यूरिंग दिस कोविड टाइम, पोस्ट कोविड टाइम, क्या ये बिजनेस मॉडल चलेगा नहीं चलेगा? कौन देख रहा है ये? ये सब इन्वेस्टर देख रहा है। और चौथी चीज बहुत इंपॉर्टेंट हिल चेक हाउ मच द रिस्क, रिस्क कितना है, उस हिसाब से वो अपना रिटर्न मांगेगा। भाई कि मेरे को इतना पैसा लगेगा, आई एम एक्सपेक्टिंग दिस मच परसेंटेज ऑफ रिटर्न फ्रॉम अ बिजनेस। कौन बोल रहा है? ये इन्वेस्टर बोल रहा है। सर अगर मैं बोलूंगा कि अगर तुम्हारे बिजनेस में रिस्क कम है और रिटर्न ज्यादा है ना, तो मैं बोल रहा हूं अगर रिस्क कम है और रिटर्न ज्यादा है, या तो फिर रिस्क ज्यादा है और रिटर्न भी ज्यादा है। सुना, मैं तुमको अभी तीन अल्टरनेटिव देता हूं, तो उसमें से तुमको बेस्ट सिलेक्ट करना है तुम्हें कौन सा चाहिए। देखो मैं बोल रहा हूं, सबसे पहले केस में बोला रिस्क कम रिटर्न ज्यादा, रिस्क ज्यादा रिटर्न ज्यादा, और रिस्क कम और रिटर्न भी कम, कौन सा सही है भाई? तुम्हारे को कौन सा अच्छा लग रहा है बताओ? मेरे हिसाब से अगर मैं इन्वेस्टर हूं तो मैं बोलूंगा कि भाई रिस्क कम और रिटर्न ज्यादा है तो मेरे को उसमें इन्वेस्टमेंट करने में मजा आएगा। देखो ये दोनों चीज तो कहीं पे भी मिल जाएगी, रिस्क ज्यादा रिटर्न ज्यादा, रिस्क कम रिटर्न कम, सही है। बट जहां पर रिस्क कम है और रिटर्न ज्यादा है, जहां पर रिस्क कम है और रिटर्न ज्यादा है, हर इन्वेस्टर हर बंदा चाहेगा कि उस कंपनी में मैं पैसा डालूं, और हर बंदा चाहेगा, हर व्यक्ति चाहेगा कि मैं उस कंपनी में पैसा डालूं। और इसीलिए हमारे जैसे लोगों का जन्म हुआ है, CRO का जन्म हुआ है, रिस्क मैनेजर का जन्म हुआ है। और कहा जाता है, हे रिस्क मैनेजर, प्लीज 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 हमारी कंपनी का रिस्क कम कर दो ताकि इन्वेस्टर को रिटर्न ज्यादा दे पाए। और ये अगर सिचुएशन हो गया, अगर रिस्क कम है और रिटर्न ज्यादा है, तो हर बंदा हर इन्वेस्टर तुम्हारी कंपनी में लगाने के लिए तैयार हो जाएगा। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है जब मैं एज अ इन्वेस्टर देख रहा हूं तो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। सर अब सवाल ये आता है कि वेयर डज दिस रिस्क अराइज फ्रॉम? रिस्क अराइज कहां से हो रहा है? मेरे को तो यही समझ में नहीं आ रहा। तुमने बोला रिस्क का डेफिनेशन क्या होता है, ये भी समझ में आया सर। अनसर्टेनिटीज भी समझ में आया, इफेक्ट्स भी समझ में आया, द इफेक्ट ऑफ अनसर्टेनिटीज ऑन ऑब्जेक्टिव्स, ये समझ में आया सर रिस्क होता है। बट रिस्क अराइज क्यों होगा, आएगा क्यों, ये तो बताओ। देखो भाई सिंपल सी चीज है, रिस्क आता क्यों है? रिस्क आता है अगर मैं बोलूं अनसर्टेनिटी, रिस्क आता है अनसर्टेनिटी से, और अनसर्टेनिटी होने की वजह से
मुझे कुछ डिसीजंस लेने पड़ते हैं, अनसर्टेनिटी होने की वजह से मुझे कुछ डिसीजंस लेने पड़ते हैं। अब मैं ये डिसीजंस या तो मैं खुद ले सकता हूं, या तो ये डिसीजंस मेरे खुद के हो सकते हैं या किसी और के हो सकते हैं। सर मतलब क्या समझो, रिस्क जो अराइज होता है वो होता है डिसीजन से, रिस्क जो अराइज होता है वो होता है डिसीजन से। डिसीजन चाहे खुद का हो या किसी और का हो, डिसीजन चाहे खुद का हो या किसी और का हो, उस वजह से रिस्क अराइज हो गया। सर सर एग्जांपल दो। मैंने एग्जांपल दिया था शुरू में, मैं बोला था कि पीवीआर को रिस्क आ गया साहब नेटफ्लिक्स की वजह से। अगर नेटफ्लिक्स ने सोचा ही नहीं होता ये धंधा चालू करने का तो पीवीआर को रिस्क आता क्या? नहीं आता। बट नेटफ्लिक्स ने सोचा है, नेटफ्लिक्स धंधा चला रहा है, उस वजह से किसको रिस्क आ गया? उस वजह से किसको रिस्क आ गया? उस वजह से पीवीआर को रिस्क आ गया। सर पीवीआर को रिस्क आ गया। तो एक बार जब डिसीजन लेते हैं उस वजह से रिस्क अराइज हो जाता है। ओके, अब एक और बढ़िया सी चीज मैं बोलता हूं कि ऑल इंपॉर्टेंट डिसीजंस इन्वॉल्व रिस्क। जैसे कि सर क्या मेरे को अमल कमीशन करना है, एग्जांपल दे रहा हूं है ना, जैसे कि मेरे को कोई अमल कमीशन करना है वहां पर रिस्क है, मुझे कोई बिजनेस एक्वायर करना है वहां पे रिस्क है, मुझे कोई कंट्री में प्रोडक्ट लॉन्च करना है वहां पे रिस्क है, हर जगह जो भी बड़े डिसीजन है वहां रिस्क है। ओके, क्योंकि वो वहां पे अनसर्टेनिटी है। अनसर्टेनिटी कैसे है? फॉर एग्जांपल मैंने प्रोडक्ट लॉन्च किया, क्या प्रोडक्ट चलेगा नहीं चलेगा, कितना मेरा प्रोडक्ट बिकेगा, अनसर्टन है, ये सब चीजें अनसर्टन है। अब उन अनसर्टेनिटीज को सर्टन बनाना पड़ेगा हमें, उन अनसर्टेनिटीज को हमें सर्टन बनाना है, और उसी के लिए हम चाहते हैं कि हम रिस्क को मैनेज कर दे, ताकि अगर कल जाके कुछ बुरा भला हो, ताकि कल जाके इफ समथिंग वेंट रॉन्ग आई एम देयर और आई हैव सम स्ट्रेटजीज व्हिच इज देयर विद मी टू मिटिगेट दैट रिस्क। ओके, हाउ एनीवन टेक्स डिसीजन, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मैंने बोला कि रिस्क अराइज होता है बिकॉज ऑफ डिसीजन। डिसीजन कैन बी योर ओन और आइदर ऑफ एनी अदर पर्सन, बट डिसीजन कोई भी अगर कैसे लेता है लाइफ में, तुम भी कैसे डिसीजन लेते हो लाइफ में, कोई भी डिसीजन या कोई भी व्यक्ति डिसीजन लेता है प्रोबेबिलिटी और कॉन्सिक्वेंस के बेसिस पे, प्रोबेबिलिटी और कॉन्सिक्वेंस के बेसिस पे डिसीजन लिया जाता है। सर प्रोबेबिलिटी मतलब होने की संभावना, पॉसिबिलिटी ऑफ ऑकरिंग एनीथिंग इज कॉल्ड एज अ प्रोबेबिलिटी विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ लाइक्लीहुड। पॉसिबिलिटी और प्रोबेबिलिटी ऑल आर द सेम वर्ड्स। सर दूसरा होता है कॉन्सिक्वेंस इंपैक्ट। सर ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ स्टार्टिंग अ न्यू प्लांट इन वेस्ट बंगाल एंड उस वजह से द हाउ मच आई विल बी अर्निंग है ना, तो उस बेसिस पे आई विल टेक अ डिसीजन। ओके, तो पॉसिबिलिटी या प्रोबेबिलिटी या मेरा फॉर एग्जांपल अगर मैं बंगाल में प्लांट स्टार्ट करता हूं, आई वांट टू स्टार्ट अ न्यू प्लांट इन वेस्ट बंगाल, मुझे एक साल में प्लांट स्टार्ट करना है, पॉसिबिलिटी कितनी है? आई वुड से 50% है। सर क्या मैं उधर से कमा पाऊंगा? फॉर एग्जाम्पल आई अर्न 100 करोड़। ओके, तो उसके बेसिस पे मैं डिसीजन लूंगा। अब दूसरा मैं डिसीजन बोलता हूं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ स्टार्टिंग अ प्लांट इन गुजरात विद इन वन ईयर इज 60% और मैं वहां से कमा पाऊंगा से फॉर एग्जाम्पल 100 करोड़, तो विच डिसीजन आई विल टेक दिस डिसीजन, क्योंकि मैं यहां पे 60 करोड़ कमाऊंगा और यहां पे मैं 50 करोड़ कमाऊंगा। करेक्ट है, करेक्ट है, नहीं है? हाँ, तो सर इस बेसिस पे हम डिसीजन लेते हैं, इस बेसिस पे हम डिसीजन लेते हैं प्रोबेबिलिटी और कॉन्सिक्वेंस। सर कॉन्सिक्वेंस जो होगा, इफेक्ट जो होगा, असर जो होगा, वो पॉजिटिव होगा और नेगेटिव होगा, वो पॉजिटिव होगा और नेगेटिव होगा। ठीक है, जो भी असर होगा वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। कैसे होगा, क्या होगा, एग्जाम्पल देंगे आगे। और ये जो पार्ट है ये इंपॉर्टेंट है, यहां पर हम इसको है ना रिलेट करेंगे आगे जाके रिस्क ग्रेडिंग में। ठीक है, रिस्क को हम ग्रेड कर रहे हैं कि भाई एक ग्रेड दे दो हमें, एक ग्रेड दे दो। प्रोबेबिलिटी होने की कम है, ज्यादा है, हाई प्रोबेबिलिटी, लो प्रोबेबिलिटी है ना, तो इसको हम बोल सकते हैं, फर्दर डिवाइड कर सकता हूं मैं डिसीजंस को हाई प्रोबेबिलिटी लो प्रोबेबिलिटी, हाई कॉन्सिक्वेंस या हाई इंपैक्ट लो इंपैक्ट। सर नहीं समझ में आया, नहीं समझ में आया, चलो और बढ़िया से समझाते हैं, डायग्राम देता हूं, देखो ध्यान से, दिख रहा है डायग्राम, दिख रहा है? हाँ, देखो सर हाई प्रोबेबिलिटी घटा बड़ा है ना। अब ये एग्जांपल ले रहा हूं, कार्टून सा एग्जांपल है, दिस इज नॉट रिलेटेड टू बिजनेस स्टिल, बट दिस विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट।
यहां पे गैप बहुत बड़ा है ओके, बट इंपैक्ट है क्या, कोई काटा वाटा है क्या, उसको कोई चोट लगेगी क्या? नहीं लगेगी सर, यहां पे उसको कोई चोट नहीं लगेगी, इंपैक्ट नहीं है ओके. दूसरा टाइप होता है, देखो दूसरा टाइप मैं बोलता हूं लो प्रोबेबिलिटी लो इंपैक्ट, गड्ढा भी छोटा है और कोई चोट वोट भी नहीं लगेगी, कांटे वाटे भी नहीं है, ही कैन इजीली क्रॉस अ रोड. थर्ड मैं बोलता हूं लो प्रोबेबिलिटी हाई इंपैक्ट. लो प्रोबेबिलिटी गड्ढा छोटा है और बट इंपैक्ट बहुत ज्यादा है, अगर गिर गया तो चोट लग जाएगी जोर जोर की ओके. और चौथा है हाई प्रोबेबिलिटी हाई इंपैक्ट, यहां पे प्रोबेबिलिटी भी ज्यादा है और इंपैक्ट भी ज्यादा है, यहां से जाएगा तो मर जाएगा साहब ठीक है. तो इसके बेसिस पे अगर मैंने तुमको ये समझाया है, क्या समझाया है तुमको, कि हमारा जो डिसीजन होता है इन दो फैक्टर्स के बेसिस पे लिया जाता है ठीक है. तो अब मैं तुमको पूछता हूं कि यहां पे अब ये बंदा जो डिसीजन ले रहा है वो इन फैक्टर्स के बेसिस पे डिसाइड कर पाएगा कि वेदर ही इज सपोज टू क्रॉस अ रोड और नॉट, और वेदर ही इज सपोज टू यूज समथिंग एल्स. क्या उसे कुछ और स्ट्रेटेजीज, कोई और तकनीकें अपनानी पड़ेगी क्या कि इसे क्रॉस करने के लिए, मतलब ये आई विल गिव यू सम क्वेश्चन फॉर होमवर्क है ना, मैंने तुमको बोला था आई विल गिव यू सम केस स्टडी, आई विल गिव यू सम क्वेश्चन फॉर होमवर्क एंड आई विल गिव द आंसर टुमारो, सो दैट आई वांट यू टू थिंक मोर है ना. जितना ज्यादा सोचोगे उतना तुम्हारे लिए अच्छा है, बिकॉज दिस इज अ केस स्टडी पेपर ठीक है. तो यहां पे मैं तुमको चार ऑप्शंस देता हूं कि उसका रिस्पॉन्स क्या रहना चाहिए. You need to define the response for this person. Because यहाँ पे अगर तुम define कर लिए तो फिर exam में इसको एक इसके इससे related में और एक case study दूंगा, so that you can think in a much better manner. ठीक है, तो तुमको यहाँ पे इसका एक response draw करना है कि इसे क्या करना चाहिए. ठीक है, I'll give you four options. सबसे पहला option है reduce. दूसरा option है तुम्हारे पास avoid. Third option है तुम्हारे पास transfer. और चौथा ऑप्शन है एक्सेप्ट. ओके, तो यू नीड टू फिल दिस विच ऑप्शन इज करेक्ट फॉर विच केसेस है ना, कौन से केस के लिए कौन सा ऑप्शन सही रहेगा, रिड्यूस किस में रहेगा, अवॉइड किस में रहेगा, ट्रांसफर किस में रहेगा, एक्सेप्ट किस में रहेगा, इसका आंसर मैं दूंगा कल की क्लास में, बट आई वॉन्ट यू टू थिंक है ना, तो मजा आएगा तुम्हें ठीक है. तो ये हमारा हो गया प्रोबेबिलिटी इंटू कॉन्सिक्वेंस, और आउटकम इज डिसाइडेड वेदर द, अब देखो आउटकम विल बी डिसाइडेड वेदर द रिस्क taken has a negative or positive consequences, कि उसका consequence, उसका impact कैसा हुआ है, उसके basis पे decide होगा. Okay. अब आगे बढ़ते हैं next part पे, थोड़ा सा और detail में ले जाता हूं तुम्हें business पे, फिर हम समझेंगे चीजों को. एक business को लेता हूं मैं, say for example Flipkart, ठीक है, Flipkart का एक बिजनेस है. Flipkart में एक बिजनेस functions है HR का. सर what is HR? Human resource. Human resource करके एक function है Flipkart जैसी कंपनी में. ओके, अब मैं तुमको पूछता हूं कि HR के what all things HR do? What all things HR do? Just think, give a thought. I'll give you one minute. Just give a thought. है ना, एक बार आप सोचो कि HR क्या क्या करता है. इसको फिर हम चैप्टर नंबर 1 से भी रिलेट करेंगे, सो दैट यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड द थिंग्स. ओके, सबसे पहला काम एचआर का बेसिक होता है हायरिंग का, कि एचआर लोगों को हायर करेगा, आजा भाई हायरिंग करेगा, ट्रेनिंग देगा है ना, ट्रेनिंग देगा है ना. हमारे इसमें हम लोग ईवाई में था तो वी जनरली यूज टू कॉल एस एलएनडी का ट्रेनिंग होगा. ओके, फिर इसके बाद ये हेल्थ एंड सेफ्टी के बारे में देखेगा, इंश्योरेंस वगैरह के बारे में कि एम्प्लॉयज को इंश्योरेंस देना है नहीं देना है. ओके, ये पेरोल्स के बारे में देखेंगे है ना, पेरोल के बारे में देखेंगे. ओके, ये देखेंगे कि ओवरऑल एनवायरनमेंट ऑफ द कंपनी इज गुड और बैड. ओके, तो ये सब फंक्शंस है ऑन एन एवरेज एचआर के, बाकी भी बहुत सारे फंक्शंस है एचआर के. हम क्या कर रहे हैं अभी, मैं करवा क्या रहा हूं तुमको, मैं तुमको बता रहा हूं एक बिजनेस है उसमें बहुत सारे फंक्शंस होते हैं जिसमें से एक फंक्शन हम देख रहे हैं एचआर का. एचआर के फंक्शंस इस प्रकार से हैं. अब इन फंक्शंस में कुछ कुछ रिस्की एरियाज होंगे,
कुछ कुछ रिस्की एरियाज होंगे. ओके, से फॉर एग्जांपल आई गिव यू सम रिस्की एरियाज लाइक टैलेंट रिटेंशन. एट्रीशन रेशियोज बहुत ज्यादा होता है. ओके, एट्रीशन रेशियोज बहुत ज्यादा होता है, टैलेंट रिटेंशन का एक रिस्की एरिया है. टैलेंट रिटेंशन ना करने का लॉस क्या होता है कंपनीज को पता है, उनका टैलेंट चला जाता है, उनका डेटा, मतलब उनको डर रहता है यार कि यार दूसरी कंपनी में चला गया तो मेरा डेटा नहीं दे दे किसी को, है ना, तो ये रिस्क है. टैलेंट रिटेन नहीं हो पा रहा है, टैलेंट रिटेन नहीं हो पा रहा है. अब उस टैलेंट को मुझे रिटेन करना है, ध्यान से समझो, उस टैलेंट को मुझे रिटेन करना है मतलब ही उसके लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, उसके लिए मुझे कुछ मिटिगेशन टेक्निक्स यूज करना पड़ेगा. सर मतलब ही मैं रिस्क मैनेजमेंट कर रहा हूं क्या? हाँ, मैं यहां पे एक डिपार्टमेंट का रिस्क मैनेजमेंट कर रहा हूं, एक डिपार्टमेंट का रिस्क मैनेजमेंट कर रहा हूं. ऐसे ही हर एक बिजनेस में हमें क्या करना होगा, हर एक बिजनेस फंक्शंस में हमें देखना पड़ेगा कि भाई कंपनीज में कौन कौन से बिजनेस फंक्शंस हैं, उस बिजनेस फंक्शंस में उसके क्या क्या कार्यक्रम है, उसके कार्यक्रम मतलब व्हाट ऑल थिंग्स इट डू एंड हाउ वी आर सपोज टू मिटिगेट इट. ओके, हाउ वी आर सपोज टू मिटिगेट इट. अब मैं तुमको हमारा जो मॉड्यूल है आईसीआई मॉड्यूल है उसमें तुमको दिखाता हूं. देखो ये चैप्टर नंबर 1 में हमारा दिया हुआ है. आई शो यू इन चैप्टर नंबर 1 इट इज गिवन समवेयर की हाउ. देखो जैसे कि ह्यूमन रिसोर्स में पुअर एम्प्लॉय मॉरल एंड टैलेंट रिटेंशन एक प्रॉब्लम दिया हुआ है. रिस्की एरियाज है, ये रिस्की एरियाज है. वैसे ही हर एक बिजनेस में ये सब डिपार्टमेंट्स दिए गए हैं, हर एक बिजनेस में ये सब डिपार्टमेंट्स दिए गए हैं और इन डिपार्टमेंट्स में कुछ रिस्की एरियाज दिए गए हैं और इन रिस्की एरियाज को एज ए रिस्क मैनेजर तुम्हें देखना पड़ेगा, एनालाइज करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा और उसे मिटिगेट करना पड़ेगा. ठीक है, ये पेज नंबर कहां पे है सर? ये पेज नंबर है तुम्हारा, पेज नंबर इज 1.9 ऑफ आईसीआई मॉड्यूल. ओके, तो वही चीज मैं अभी रिलेट कर रहा हूं, जो भी बता रहा हूं एवरीथिंग इज रिलेटेड टू द सब्जेक्ट, है ना, कोई आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट कुछ भी नहीं ले जाऊंगा. बस एक चीज ध्यान में रखना कि एग्जांपल्स जो मैं दे रहा हूं थोड़ा सा दिमाग में रखना सो दैट आई विल आस्क लेटर ऑन. तो देखो मेरा फर्स्ट स्टेप क्या था, मैंने पहला स्टेप क्या बोला था कि पहला क्वेश्चन मैंने पूछा कि व्हाट इज बिजनेस ट्राइंग टू डू. सर बिजनेस करना क्या चाहता है पहले वो समझो. तुमको रिस्क मैनेजमेंट करना है ना तो सबसे पहली चीज तुम समझो कि बिजनेस करना क्या चाहता है, उसके ऑब्जेक्टिव्स, उसके गोल्स, उसके विजन्स, वो सब समझो. ठीक है, उसने कोई डिसीजंस लिया, कैसे लिया, प्रोबेबिलिटी क्या था, कॉन्सिक्वेंस क्या था, वो सब फैक्टर्स तुम समझो, तब जाके तुम रिस्क को मैनेज कर पाओगे. ठीक है, नेक्स्ट स्टेप विच यू आर नीडेड टू डू इज सेकेंड क्वेश्चन यू नीड टू आस्क इज व्हाट माइट अफेक्ट इट, व्हाट माइट अफेक्ट इट, व्हाट माइट अफेक्ट इट. उस बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने में कौन सी चीज रोक रही है, उस बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने में कौन सी चीज रोक रही है. ओके, सर ऑब्जेक्टिव्स पूरे कंपनी एज ए होल के भी रहेंगे और बिजनेस और डिपार्टमेंट लेवल पे भी रहेंगे. हाँ, एचआर को हमने टारगेट दिया था कि तुम्हारी कंपनी में एट्रीशन रेट शुड नॉट बी ग्रेटर देन, है ना, शुड नॉट बी ग्रेटर देन 5% ड्यूरिंग द ईयर. 5% से ज्यादा का तुम्हारा एट्रीशन रेट नहीं रहना चाहिए. मतलब क्या सर, अगर तुम्हारी कंपनी में 100 एम्प्लॉय है तो 5 से ज्यादा एम्प्लॉय छोड़ के नहीं जाना चाहिए. हमने एचआर को टारगेट दिया था, ठीक है, पर छोड़ के चले गए. हमें इसको क्या करना है, अब मैनेज करना है भाई, ये रिस्क हमें नहीं चाहिए, हम ये रिस्क नहीं झेल पाएंगे. ठीक है, तो अब वो हमको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, व्हाट माइट अफेक्ट इट, उसके लिए तुम्हें समझना पड़ेगा कि रिस्क क्या है वहां पे. ठीक है, हर एक बिजनेस में तुम्हें समझना पड़ेगा कि भाई रिस्क क्या है, मेरे को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि भाई व्हाट ऑल रिस्क इज देयर. ठीक है, तो मैं बोल रहा हूं उसके लिए तुम्हें देखना पड़ेगा रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस ओवरव्यू. देखो रिस्क को सबसे पहले मेरे को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, करेक्ट, मैं रिस्क को देखूंगा. नाउ व्हाट इज रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस, ये प्रोसेस जो है दिस इज व्हाट आई कॉल्ड एज अ गुरु मंत्र. ठीक है, रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस जो है एक गुरु मंत्र है. क्यों? बिकॉज ये पूरे रिस्क मैनेजमेंट को चलाती है, ये जो चीज है ये पूरे रिस्क मैनेजमेंट को चलाती है. सबसे पहला मैंने जाके देखना है कि क्या रिस्क है, आइडेंटिफाई करना है, एनालाइज करूंगा, इवेल्युएट करूंगा, ट्रीट करूंगा, मॉनिटर करूंगा और फिर से जाके जब मैं मॉनिटर कर रहा हूं तो फिर से उसको जाके रिव्यू करूंगा, एस्टैब्लिश द कॉन्टेक्स्ट. मुझे करना क्या है, सबसे पहले कॉन्टेक्स्ट तो सेट करो,
कंटेक्स्ट सेट करने के बाद मैं रिस्क को ये सब स्टेप्स के थ्रू पास ऑन करूंगा। सर ये स्टेप्स में क्या होता है, कैसे करते हैं, मैं बताऊंगा। एक एक स्टेप को ये हम इतने डिटेल में देखेंगे कि तुमको मजा आ जाएगा। बट तुमको एक चीज ध्यान में रखना है कि अगर मैंने रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस ही पूरा लगा दिया तो मेरा ऑलमोस्ट काम हो जाएगा। ऑलमोस्ट काम हो जाएगा मतलब आई विल बी एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द रिस्क एंड हाउ वी आर सपोज टू मैनेज इट, मॉनिटर इट, इवेलुएट इट, ट्रीट इट, व्हिच इज नथिंग बट व्हाट अ रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस। ठीक है, अब जो हमारा मैनेजमेंट प्रोसेस है वो चीज आइडेंटिफिकेशन ऑफ रिस्क। सबसे पहला कि रिस्क को आइडेंटिफाई करो, रिस्क को आइडेंटिफाई करो, करेक्ट। अब आइडेंटिफाई कब कर पाऊंगा, व्हेन आई एम अवेयर ऑफ द बिजनेस फंक्शंस, व्हाट बिजनेस इज डूइंग, हाउ इट इज डूइंग एंड हाउ इट इज गोना डू। मेरे को कोई भी चीज को, किसी भी चीज को समझना है, आइडेंटिफाई करना है, तो मेरे को बिजनेस फंक्शंस को समझने पड़ेंगे। सॉरी, उस बिजनेस फंक्शंस को मैं समझूंगा, आइडेंटिफाई करूंगा, उसके बेसिस पे मैं क्या करूंगा पता है, उसको आइडेंटिफाई करने के बाद मैं उसमें रिस्की एरियाज निकालूंगा। मैं उसमें क्या निकालूंगा, रिस्की एरियाज निकालूंगा। से फॉर एग्जांपल मैंने एचआर के ये सब जो फंक्शंस देखे, इसमें मैं प्लॉट करूंगा रिस्की एरियाज क्या है, और फिर उसके बाद मैं प्लॉट करूंगा कि वहां रिस्क क्या है। देखो सबसे पहले मैंने देखा फंक्शंस क्या है, फिर उसमें मैंने देखा फंक्शन से, फॉर एग्जांपल एचआर हो गया, सेल्स हो गया, बहुत सारे फंक्शंस हो गया। इसमें मैंने बात देखा कि क्या क्या मेरे उसका फंक्शन है ना, ये हो गया बिजनेस फंक्शंस। फिर यहां पे कंपनीज क्या करती है, या मैं उसको बेटर कह सकता हूं कि वर्क परफॉर्म बाय दोस फंक्शन। उस वर्क परफॉर्म के बेसिस पे आई डू व्हाट, आई आइडेंटिफाई रिस्की एरियाज। उस रिस्की एरियाज के बेसिस पे व्हाट आई डू इज आई आइडेंटिफाई द रिस्क, है ना। सॉरी, इग्नोर द स्पेलिंग, आइडेंटिफाई द रिस्क। ठीक है, तो ये मेरा पहला स्टेप है रिस्क मैनेजमेंट को आइडेंटिफाई करने का। ठीक है, तो ये जो स्टेप है विल डील इट टुमारो इन डिटेल, ओके, कि हाउ यू आर सपोज टू आइडेंटिफाई द रिस्क एंड व्हाट आर द स्टेप्स इन्वॉल्व इन आइडेंटिफिकेशन ऑफ रिस्क। ओके, so before we conclude, just a small case study and questions for you. I have given two questions for homework. Number one, you need to decide what all strategy you'll use in this four cases, hai na, to ye bande ke liye aap kaun si strategy use karoge. And second question is, a company x is planning to lay off its employees without giving a prior notice, as all its business operation has stopped on account of a COVID-19. As a risk manager, what risk do you think the company will face and mitigate, how you'll mitigate the same. देखो अभी तुमको पता नहीं है कि what all types of risk are involved, कौन कौन से risk है, ये सब तुमको कुछ भी नहीं पता, but तुम्हें सिर्फ ये सोचना है कि कौन कौन से risky areas आ सकते हैं, what all type of risky areas which might arise on account of if the company lay off its employees without giving a proper notice period. Sir, what is a notice? Notice period is something like company को प्रायर इंटीमेशन करना पड़ता है बिफोर इट रिमूव्स एनी ऑफ इट्स एम्प्लॉइज। ओके, तो उसे एक नोटिस पीरियड देना पड़ता है। तो व्हाट ऑल थिंग्स कंपनी शुड डू टू मैनेज दोस रिस्क। ओके, कंपनी को एम्प्लॉइज निकालना है क्योंकि उसके लॉस हो रहा है, वो विदाउट नोटिस निकालना चाहती है, तो तुम एज अ रिस्क मैनेजर क्या उन्हें सजेस्ट करोगे, क्या उन्हें बताओगे कि क्या करना चाहिए कंपनी ने, ओके, ताकि कंपनी के लिए कोई रिस्क पैदा ना हो जाए। ठीक है, अभी तो तुम इतना बता सकते हो, टाइप ऑफ रिस्क वगैरह मैं तुमको पूछ नहीं रहा हूं, है ना, जब हम डील करेंगे तब मैं तुमको यही बोलूंगा टाइप ऑफ रिस्क बताओ, एंड इसका आंसर्स हम कल डिस्कस करेंगे। ठीक है।